हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक सर। आपका स्वागत है एक नए दिन एक नई सुबह के साथ। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन क्षेत्र मिति, ठीक है, जिसमें से हमने 11.2 को कल की वीडियो में हमने खत्म किया। तो आज है 11.3। 11.3 पढ़ने से पहले मैंने कितनी बार कहा कि इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी मेरी, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले A to Z मैंने करवा दिए हैं, ठीक है, उसे जरूर देखिएगा, फिर आइएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर डायरेक्ट आते हैं, आपको फॉर्मूले नहीं पता है, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो फॉर्मूले जरूर है, ठीक है। एक बार मैं फिर से, अगर इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है तो एक बार मैं फिर से फॉर्मूले को आपको, ठीक है, रिवाइज कराऊंगा, दिखाऊं, फिर से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को घंटी को दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालता रहूं आपको मिलती रहे। ये चीज याद रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो, बिल्कुल समय ना गवाते हुए। तो पहला क्या है देख लीजिए, सबसे पहले हमको दोनों में अंतर बताना था कि दोनों में है, क्वेश्चन को तो छोड़ दीजिए अभी। अभी हम देख लेते हैं टोटल सरफेस ऑफ एरिया का फार्मूला, यानी सबका, जिसका किसका किसका, ये क्यूब है, क्यूब का फार्मूला, क्यूबॉइड, ठीक है, और ये सिलेंडर, सबका हम फार्मूला देख लेते हैं। देखिए क्यूबॉइड का जो फार्मूला होता है, घनाभ, घनाभ का होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH P प्लस HL, इसको ऐसे निकलेगा, ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा। तो ये फार्मूला होता है क्यूबॉइड का। और दूसरा होता है एरिया का 6A2। आप लीडो वीडो खेलते हो गए तो लीडो में कितना आता है, 6 अंक तक आता है, 6 सतह होता है, तो 6A2, समझ गए। जब भी क्यूब का आपका सरफेस पूछेगा तो क्यूब का सरफेस क्या होगा, 6A2, क्योंकि उसमें 6 सतह होता है ना भैया, किसी में 6 सतह रहे, अगर एक सतह को एक कहते हैं तो 6 सतह को कितना कहेंगे, 6A2, 6 सतह, ठीक है। तो क्यूब कितना होता है, क्यूब का होता है, क्यूब का सरफेस कितना होता है, टोटल सरफेस 6A2। सिलेंडर का सरफेस कितना होता है, 2 cos 2πr कोष्ठक में H+R, ये सिलेंडर का होता है फार्मूला, होता है किसका, टोटल सरफेस का, टोटल सरफेस का। अब क्यूब, अब देखिए सिलेंडर क्या होता है, आपने डिब्बा उब्बा देखा होगा, ठीक है, जैसे ये बेलनाकार है, ठीक है, देखिए ऊपर ऊपर लगा है, ठीक है, ये इधर है और एक यहां पे लगा है, तो ये भी एक बेलनाकार है, ये भी एक सिलेंडर कह सकते हो इसको, कोई डिब्बा भी हो वो भी सिलेंडर के शेप में होता है। क्यूब में क्या होता है, आप खेलते नहीं हो एक रंग मिलाने वाला, वो भी तो क्यूब में होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से होगा। तो सिलेंडर का हमें नहीं पता, हमें याद रखना होगा। जैसे मैं कहूं टोटल सरफेस ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे, 6A2, ठीक है। मैं पूछूं टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL होगा। मैं कहूं वही चीज टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे, 2πr कोष्ठक में H+R। इन्हीं तीन फार्मूलों पे हमारा एक्सरसाइज 11.3 टिका हुआ है। इसी ना तो मैं बता दिया, इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने ये सारे फार्मूले करवा दिए हैं, लेकिन तब भी मैं सोचा एक बार आपको और बता दूं, ठीक है, तो समझ में आ गया। आप सीधे हम क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन को लगाए, चलिए क्वेश्चन को आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। देर आर 2 क्यूबॉइड बॉक्स, तो 2 क्यूबॉइड बॉक्स दे रखे हैं, दोनों क्यूबॉइड कह सकते हो, दोनों को ही, क्यूब को भी हम क्यूबॉइड कह सकते हैं, लेकिन क्यूबॉइड को हम क्यूब नहीं कह सकते। अब देखो इसमें यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, इसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। विच बॉक्स रिक्वायर लेस देन अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, आपको ये पूरा बनाने के लिए ये कह रहा है कि आपको लेसर देन, मतलब कम कपड़ा किसमें लगेगा, चारों ढकना है इसका कंप्लीट, तो आपको पूरा कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया लेना, जो मैंने लास्ट में बताया ना फॉर्मूले, ये वाले लेने हैं। क्यूब के लिए 6A2 और क्यूबॉइड के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको लगा के देखना है, कम किसका उत्तर आता है, कम आता है वो क्या हो जाएगा, आपके राइट हो जाएगा, एक ए है और एक बी है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को हम एकदम जीरो लेवल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है उनको हम देख लेते हैं। देखिए कह रहा है इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये आपको प्राप्त करना है। तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा है, घनाभ दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला सेम फार्मूले पे हम रख देंगे,
तो टोटल सरफेस आप लिख लेंगे, टोटल ठीक है सरफेस ऑफ क्यूबोर्ड, क्यूबोर्ड यानी इसका पूरा घन आपका कितना होगा। फार्मूला क्या होता है, टू ठीक है एल बी प्लस ठीक है बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है टोटल ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए इसको यहां नीचे लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं टी एस करके, तब आपके लिए ये रहना है, नहीं तो दोनों नहीं आएगा। तो लिखते हैं हम टी एस ए ऑफ क्यूबोर्ड, यानी टी एस का मतलब क्या होता है, टी फॉर टोटल, एस फॉर सरफेस, ए फॉर ठीक है ए फॉर बताओ टोटल सरफेस फॉर एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। फार्मूला क्या होता है, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ठीक है। अब देखिए ये जो है इसकी ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, ये ब्रीथ हो गई और ये हाइट हो गई, ये चीज याद रखिएगा, ये क्या हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई और ये इसके लेंथ हो गई, ये चीज आप याद रखिएगा ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम लिख देंगे, टू टू लिख दिया, यल के जगह पे कितना 60, तो 60 कर लीजिए, बीच में घोड़े का चिन्ह छुपा है तो बी का मान कितना 40, तो 40 कर लीजिए, फिर प्लस बी का मान कितना 40, तो 40 कर लीजिए ठीक है, एच का मान कितना है, एच का मान 50 है तो 50 कर लीजिए, प्लस एच का मान कितना है 50, तो 50 कर लीजिए, यल का मान कितना है 60, तो 60 कर लीजिए ठीक है, ये हमारा हुआ ठीक है। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए इसको, तो दो का तो दो ही रहेगा, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कोष्टक में 2400 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 5 और 20 ये आ जाएगा ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 6 5 30 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक, अब जोड़ लीजिए सबको, तो सबको जोड़ लिया तो कितना होगा, यहां देखिए पहले तो कितना 0 रहेगा ठीक है 3 3 ठीक है, तो आ जाएगा आपका यहाँ जोड़ लीजिए आप ठीक है 6 5 30 तो 30 कर लीजिए, फिर 20 कर लीजिए, फिर 2400 कर लीजिए, देखिए जोड़ने में कितना आ रहा है 0 0 4 3 2 5 7 7400 आ रहा है, तो इसको हम 7400 कर लेते हैं ठीक है। तो 2 × 7400 कितना होगा 200 × 0 2 × 8 2 × 7 14 यानी कि इसका कितना आया 14800 आया, क्यूब का क्यूबोर्ड का कितना आया सरफेस टोटल सरफेस 14800 आया। अब वही क्यूब का निकाल लेते हैं, क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस ऑफ एरिया, टी एस ए बराबर क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है। फार्मूला क्या होता है 6a² 6a² होता है, तो कहने का मतलब ये भी 50 है ये भी 50 है ये भी 50 है ये भी 50 है 1 2 3 4 ये भी 50 है तो ये भी है 50 है, तो टोटल सरफेस कितना है टोटल 6 है, तो लिख लेंगे हम यहां 6 है तो 6 कर लेंगे और कितना है 50 है तो 50 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत 6 को 6 लिख लेंगे और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 50 का स्क्वायर 2500 होगा, तो 2500 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 5 30 हासिल लगा कितना हुआ 6 5 30 हासिल लगा दी 6 3 15 और ये 00 तो किसका बड़ा आया ये 14800 है ये 15000 है, तो किसका बड़ा आया हमारा क्यूब का बड़ा आया, क्यूब का सरफेस बड़ा आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे हम, याद रखिएगा कोई दिक्कत बहुत ईजी था, हमें पता होना चाहिए ये लेंथ था ये ब्रीथ था ये हाइट था और क्यूब में कितना सरफेस होता है, क्यूब में आपने लीडो खेला होगा तो लीडो में कितना सरफेस होता है 6 तक आता है ना, तो उसी को सरफेस कहते हैं 6 सतह होता है ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिर उनको हम सॉल्व करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। नंबर 6 है ए सूटकेस विद ए मेजर, सूटकेस है इसका मेजर दे रखा है, तो ये देखो ऐसा सूटकेस है
इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। तीनों का आप मर्जी है जिससे आप लेंथ ब्रेथ हाइट मान सकते हो। अब यह कह रहा है इसको करना है कवर, क्या करना है इसको कवर्ड करना है। कवर करना क्या करना पड़ेगा आपको, टी ए से लेना पड़ेगा। और चारों ओर से कवर करते हैं तो हम क्या लेंगे, टी ए से ऑफ क्यूबॉइड लेंगे। अब ये कह रहा है कि आपको एक ट्रिपोलियन क्लोथ लेना, किससे लेना है आपको, त्रिपाल है, इसे त्रिपाल कहते हैं ना, मेन मतलब बहुत बड़ा त्रिपाल वो ढकने के लिए त्रिपाल से। हाउ मेनी मीटर ऑफ त्रिपाल जो भी है आपके ऑफ विड्थ, इसकी विड्थ दे रखी है। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर, कितना मीटर आपको त्रिपाल लेना, कितना लंबा त्रिपाल आपको लेना है जिसकी विड्थ दे रखी है। और हमें कितने कवर करने हैं, 100 सूट केस कवर करने हैं। कितने कवर करने हैं, 100। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक बड़ा सा बॉक्स दे दिया है, इसमें कितना बॉक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स निकालना होगा, तभी सारे बॉक्स को निकलेगा कि कितना बॉक्स आएगा उसमें। तो टोटल सरफेस ऑफ वन बॉक्स, अगर हम वन बॉक्स का निकालेंगे तभी टोटल हमारा निकलेगा। तो फार्मूला क्या होता है, ये तो क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो घनाभ का टोटल सरफेस ऑफ घनाभ, यानी कि टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए क्या होता है, टोटल सरफेस, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला क्या होता है, होता है टू कोष्टक में एल बी प्लस, ठीक है, बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, तो 2 को 2 रख लीजिए, ठीक है, एल का मान कितना है 80, तो 80 कर लीजिए, ठीक है, गुणे बी का मान कितना है, बी हमारा 48 है तो 48 कर लीजिए। देखिए इसको लेंथ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रीथ कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर ब्रीथ है, ठीक है, फिर ब्रीथ है, तो फिर ब्रीथ है तो कितना हो गया, 48 हो गया। हाइट कितना है, 24, तो 24 कर लीजिए, प्लस हाइट कितनी है, 24 कर लीजिए, और फिर इस लेंथ कितनी है, 80, इसको 80 कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, गुणा कर लीजिए आप, 2, अब देखिए कितना होगा, 48 अट्ठे 8 अट्ठा 64, 6 हासिल 8 4 32, 6 38, तो ये कितना होगा, 3840। और फिर इसका गुणा करेंगे तो 48 और 24 का, ठीक है, 48 24 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 48 24 का, तो 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3 4 16 3 19, 2 8 16 हासिल लगा 1 2 4 8 1 9, तो 9 9 6 15 11, तो कितना आया हमारा, 1152 आया। कितना आया, 1152 गुणा करने पर, प्लस 2480 का कितना होगा, 8 4 32 के 2 हासिल लगा 3 8 2 16 3 19, ये कितना होगा, 1920 होगा। कोई दिक्कत इतना यहाँ तक, अब जोड़ लीजिए, ठीक है, टोटल सबको, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ने पे आ जाएगा, कर लीजिए यहाँ पे 3840, ठीक है, 3840, ठीक है, 1152 और 1920 को जोड़ लीजिए कितना आता है, तो 2 हो गया, 5 4 9 2 11 हो गया, 8 1 9 9 18 का 19 हो गया, ठीक है, 5 4 9 2 11 19 हो गया, और 3 4 3 2 5 1 6, तो हमारा कितना आया, 6912 आया, 6912। तो गुणा करेंगे, इनका गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा करने पे यहाँ डायरेक्ट ही लिख दीजिए, 2 2 4 हो गया हमारा, 2 1 2 2 9 18 1 8 हासिल लगा, 1 2 6 12 1 13, ठीक है, इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा। कोई दिक्कत, इतना गुणा करने पे हमारा आएगा। आप देखिए ये तो एक बॉक्स का निकला, ये कितने बॉक्स का निकला, एक बॉक्स का, हमें निकालना कितना था, 100 बॉक्स का, तो 100 बॉक्स का निकाल लेते हैं हम, चलिए यहां लिखते हैं, लिख देते हैं एरिया ऑफ 100 बॉक्स, एरिया ऑफ ट्राइब, ठीक है, 100 बॉक्स, ठीक है, 100 बॉक्स का हम कैसे निकालेंगे, 100 बॉक्स का तो हम तो गुणा कर लेंगे, तो 100 गुणे कितना, ये 13 8 2 4, ठीक है, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये गुणा करने पे आ जाएगा 13 8 2 4 और इसके आगे 2 0, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको लाना किस में है,
सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन हमको लाना किस में है बताइए। ठीक है, हमको लाना था मीटर में, अभी भी ठीक है, अभी भी हमको क्या करना है, अभी हमको ठीक है छोटे वाला का क्या करना था, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, अब हमको इसका क्या ना लेंथ प्राप्त करना था। अब देखिए इसमें जब हम करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, ठीक है, तो हमको ये यल प्राप्त करना था, बी हमको पता था और यल हमको निकालना था, ये चीज याद रखिएगा। तो निकालेंगे कैसे, आपको पता होगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का क्या होता है, आयत का बॉक्स का क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, यल गुणे बी, यल गुणे बी, बताए यहां तक कोई दिक्कत हो तो आपको बताइए। ठीक है, तो यल का मान यल रहेगा और इसका मान 96 हो गया। ठीक है, 96 हो गया बराबर, ठीक है 96 हो गया। देखिए यल गुणे बी, रेक्टेंगल का मान वो होता है फॉर्मूला, यल का 96 हो गया तो हमारा कितना आ गया, ये 13824 00 96, तो काटेंगे तो 96 एकम, ठीक है 96 एक बार जाएगा, फिर कितना हुआ और फिर ठीक है 1400 होगा, ये होगा इतना होगा, सॉरी भाग देने पर ये इतना आएगा, ठीक है कटने पर तो कितना आया 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये चीज याद रखिएगा, कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, मीटर में चेंज करना, तो बता है एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, तो ये कितना 14400 है, तो 14400 को अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है तो कितना होगा बताइए, 14000 अगर 400 को अगर हम चेंज करें, 14400 भागा 100, तो काटेंगे तो कितना आ गया 144, यानी कि एक की लेंथ कितनी होगी, एक की जो ये लेंथ बनेगी कितनी होगी, 144 बनेगा। कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा थोड़ा बड़ा था लेकिन समझ में आना चाहिए, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 को हम पढ़ लेते हैं फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, हमें क्या करना है क्यूब की साइड फाइंड करनी है और हमारे पास सरफेस एरिया दे रखा है 600। देखो सरफेस लिखा है तो सरफेस एरिया जो है ना टोटल सरफेस एरिया ही आपको यूज में लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हमने पढ़ लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, ठीक है एक क्यूब दे दिया था तो क्यूब को बना ही लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका क्यूब हो गया, सरफेस कितने होते हैं 6 होते हैं, फार्मूला क्या होता है 6a² होता है, टोटल सरफेस आप क्यूब का फार्मूला क्या होता है 6a² होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये 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 तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 6 सरफेस हो जाएंगे। फार्मूला क्या होता है हम देख लेते हैं, टोटल सरफेस ठीक है एरिया कितना होता है हमारा 6a² होता है, यहां तक पता है ठीक से 6a² होता है, लेकिन इसमें क्या दिया टोटल सरफेस ऑफ एरिया कितना दे दिया हमारा, ये हमारा दे दिया है स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे दी है, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू टोटल सरफेस एरिया की दे दी है 600 सेंटीमीटर² दे दिया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको 6a² बराबर 600 सेंटीमीटर² तो हम ए स्क्वायर बोल क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर बोल सकते हैं 600/6, काटेंगे तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर² आ जाएगा। भैया ए स्क्वायर का मान 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इसको हम अगर ए स्क्वायर है तो ए बराबर लिख सकते हैं कर्णी में 100, ठीक है बोल सकते हैं, अब कर्णी में 100 बोल दिया तो कर्णी में यानी कि स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर आ गया 10। कहने का मतलब ये भी 10 है, 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 10 तीनों का मान जो 6 सतह है उनका मान 10 है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले उससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुखसार पेंट द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट,
कैबिनेट के आउटसाइड क्या करना है आपको, पेंट करना है। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। हाउ मच सरफस एरिया डिड सी कवर, कवर करना है आपको एरिया इफ सी पेंटेड ऑल एक्सपेक्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ये कह रहा है बॉटम ऑफ द कैबिनेट है ना, इसको छोड़कर आपको नीचे वाले पार्ट पर कलर नहीं करना, पेंट नहीं करना है, केवल आपको चारों ओर ही पेंट करना है। ये नीचे वाला भाग तो अंदर रहेगा, दिखेगा नहीं किसी को, तो आपको केवल चारों ओर ही पेंट करना है, इसके नीचे पेंट आपको नहीं करना है। तो नीचे वाला पार्ट क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर को पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर को हम दो मेथड से लगाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, ये पहला मेथड देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये हमारी क्या है, लेंथ हो गई, ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई और ये हमारी ब्रीथ हो गई। तो इसको हम दो मेथड से लगाएंगे। पहला मेथड देखिए, इसमें कितनी साइड है, फोर साइड है, ठीक है, फोर साइड थी तो लिख लेंगे फोर साइड। अब देखिए इसी बीच में मैंने बताया था जो चित्र होता है इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो बीच में एक रिएक्टेंगल छुपा होता है, ठीक है। तो उसमें प्लस एक रिएक्टेंगल को हम जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। और ये टॉप पे होता है तो टॉप पे लिख देंगे हम, टॉप मतलब ऊपर, ठीक है। और टोटल सरफेस ऑफ एरिया कितना होता है, टी एस ए कितना होता है हमारा, 6 होता है, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं हम, चलिए अब इसको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बढ़िया समझा, थोड़ा और कर लेंथ ले लेते हैं। एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल चारों दीवार, ठीक है, फोर वॉल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ टॉप, रिएक्टेंगल टॉप, एरिया ऑफ रिएक्टेंगल टॉप, ठीक है। तो क्या होता है ये, टू कोष्टक में यल प्लस बी, ये होता है यच, ठीक है, प्लस यल प्लस बी होता है। ये हो गया फोर वॉल का हो गया और ये आप रिएक्टेंगल का हो गया। तो रख लीजिए टू का टू मान रख लीजिए, लेंथ हमारा कितना है टू मीटर कर लीजिए, दो प्लस, ब्रीथ कितना है हमारा, एक है तो एक कर लीजिए, ठीक है। फिर हाइट कितनी है, 1.5 है तो 1.5 कर लेंगे, प्लस लेंथ कितनी हमारी, 2 है, ब्रीथ कितनी हमारी, 1 है तो 1 कर लीजिए, तो कितना आएगा हमारा, 2, ठीक है, 3, ठीक है, गुणे 1.5 प्लस 2 एकम 2, तो 3 दुना 6 और 6 दड़ेंगे हम, ठीक है, 6 दड़ेंगे कितना होगा, 3 दुना 6, 6 दड़ेंगे हम 9 और प्लस 2, तो ये आ गया हमारा 11 मीटर आ गया। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था, लेकिन सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड हम फार्मूले पे लगाते हैं। चलिए इसी का दूसरा मेथड देख लेते हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका तो आपको पता होगा टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। बार बार मैं आपको नहीं लिखूंगा, ये चीज आप याद रखिएगा। तो 2 हो गया कोष्टक में, ठीक है, यल बी प्लस बी एच, ठीक है, ठीक है, और फिर एच यल, ठीक है, माइनस यल बी, ये होता है, ठीक है, टोटल। तो 2 यल बी, यल कितना है, 2, बी कितना है, ब्रीथ कितनी है हमारी, ब्रीथ हमारी 1 है तो 1 कर लेंगे, ठीक है, प्लस ब्रीथ कितनी है, 1 है तो 1 कर लेंगे, हाइट कितनी है, 1.5 कर लेंगे, प्लस हाइट कितनी है, 1.5 कर लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। लेंथ कितनी है, 2 कर लेंगे, माइनस लेंथ कितनी है, 2, और ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ ये गुणे, ठीक है, तो 2 हो गया। फिर कोष्टक में कितना हो, 2 एकम 2 प्लस कितना हो गया, 1 में करेंगे, 1 डेढ़ 1.5, कोई दिक्कत, ठीक है, ये हो गया, प्लस 1.5 दूना 3, माइनस 2 एकम 2, तो देख लीजिए ये इतना आया, फिर 2, अब ये कितना है, 3 दूना 6, 6.5 हो गया, ठीक है, माइनस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूना 12 13 हो गया, और 13 में से 2 गया, 11 बचा, तो दोनों का आंसर कितना आया, 11 आया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड भी सही है, चाहते तो आप सेकंड ये एकदम बेसिक जो फार्मूला है उस पर हम रख के लगा सकते थे, चाहे ऐसे, इसमें बीच में हमारा एक रिएक्टेंगल छुपा था, ये चीज आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत।
नई दिक्कत, चलिए ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो डायग्राम दे रखा है ना वो 6 के है। बस 5 दे रखा है कि डैनियल इज पेंटिंग द वॉल। डैनियल क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ी वॉल है, वॉल को क्या करना है आपको, पेंट करना है। और वो वॉल है वो कैसी है, क्यूबॉइडल वॉल है, मतलब ऐसी वॉल है क्यूबॉइड टाइप में, ऐसी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है ये वाली, मतलब ये वाली पे है, इसकी हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ तीनों ही दे रखे हैं। फ्रॉम ईच कैन, अब जो पेंट का डब्बा है उस डब्बे में जो भी है, एक डब्बे से आप 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हो। एक डब्बे से कितना कर सकते हो, 100 मीटर स्क्वायर। तो हाउ मैनी कैन, आपको कितने कैन चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लिया तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, डैनियल एक लड़का है, उसको दीवार पेंट करना है, और पेंट करना है तो कितना पेंट वाला बॉक्स लगेगा। पेंट वाले बॉक्स को सिलेंडर दिया है जो 7 सेंटीमीटर दे दिया, और ये इसकी दीवार है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये इसकी ब्रीथ हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो हमको कह रहा कि कितना पेंट का बॉक्स चाहिए कि ये दीवार पेंट हो जाए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, चलिए। तो एरिया ऑफ दीवार, दीवार का क्षेत्रफल कितना, कितना दीवार पेंट होगा, ठीक है, दीवार का निकाल लीजिए। एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल। अब कितना वॉल होते हैं, दीवार में कितने होते हैं, दीवार में कितने साइड होते हैं, 4 होते हैं। जैसे आपके कोना होगा तो कोना देख लीजिए, 4 साइड होता है आपके घर में, तो 4 दीवार उसको पेंट करना होगा, तभी तो पूरा कमरा पेंट होगा। तो कह रहा कितना पेंट चाहिए, तो कितने एरिया ऑफ साइड कितने होते हैं दीवार के, 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ए, ठीक है, ए एरिया ऑफ, ठीक है, 4, ठीक है, 4 वॉल। अरे अगर मैं आपको कहूं ये आपका रूम है, ठीक है, कि तो कितने साइड है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, और बन क्या रहा है, एक रिएक्टेंगल तो ही बन रहा है। अगर इसको बनाए, अगर ये 4 साइड है तो एक रिएक्टेंगल बन रहा है ना, तो 4 वॉल हो गया प्लस एक रिएक्टेंगल, ठीक है, समझ में आया ना, ये 4 वॉल प्लस एक रिएक्टेंगल कैसे है, 4 साइड हो गया और एक रिएक्टेंगल बन रहा है बीच में, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, देखिए, तो 2 एरिया 4 वॉल, तो 2L प्लस बी, ठीक है, इनटू हाइट, और रिएक्टेंगल का क्या होता है, L गुणे बी होता है। कोई दिक्कत, यहां रिएक्टेंगल लिख लीजिए, ठीक है, तो लिख लीजिए, तो 2 लेंथ कितनी है हमारी, 15, ब्रीथ कितनी है 10, तो 15 गुणे 10, कोई दिक्कत। हाइट कितनी है 7, तो 7 कर लीजिए, प्लस लेंथ कितनी है 15 कर लीजिए, गुणे ब्रीथ कितनी है 10, तो 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर ठीक है, चलिए नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। चलिए ये कितना पेंट है ये समझ तो आ गया होगा, ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये इतना आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हुआ, ऊपर 2 है, ये है ना, ये बचा हमारे पास आंकड़ा, क्या बचा है, 15 प्लस 10, फिर 7, ठीक है, प्लस 15 गुणे 10, ये बचा है, तो 2 हुआ, 15 और 10 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, गुणे 7, प्लस 15 और 10 का गुणा करेंगे 150 होगा। तो 25 दुना 50, देखो 25 सते 175, 175 300, सॉरी देखो 25 दुना 50, अब 50 सते कर लीजिए, तो 350 प्लस 150, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 500,
लेकिन 500 आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, तो 500 तो रहेगा नहीं। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां लगा देते हैं हम, तो 500 जो सेंटीमीटर है उसको 100 से हम डिवाइड कर ले, तो डिवाइड कर लिए, चलिए यहां लगा देते हैं 500/100, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5 केन लगेगा। टोटल कितना केन लगेगा, 5 केन लगेगा आपका, यानी कि 5 पेंट का डब्बा लगेगा एक वाल को पूरा पेंट करने के लिए। तो इसमें टोटल क्वेश्चन अभी 4 बचते हैं, तो कल की वीडियो में हम जो 4 है उनको भी खत्म हम कर लेंगे, तो हमारा 11.3 खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन, आपके हर क्षेत्र में, मतलब आप कहीं तैयारी करते हो, कुछ भी करते हो, 9th 10th बहुत ही ये आपके काम आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करके देखिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।